आज के बाद भिंडी की सब्जी होने वाली है सबकी फेवरेट। तो इस तरह से प्याज भिंडी की सब्जी बनाइए और बच्चे को भी खिलाइए। तो इस तरह से साइज में हम भिंडी को काट लिए हैं और हम प्याज भिंडी बनाने के लिए एक मीडियम साइज के टोमेटो को पेस्ट किए हैं और हम यहाँ लिए हैं बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन और हरा मिर्ची। और उसके बाद हम थोड़ा सा जीरा लिए हैं और एक बड़े साइज का प्याज को हम इस साइज में कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्याज भिंडी बनाने का। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसमें हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे और भिंडी को हम थोड़ा अच्छे से फ्राई करेंगे और इसमें हम एक चुटकी हल्दी नमक डाल के फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दें तो इसमें कलर अच्छा आ जाएगा। भिंडी को फ्राई करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, तो इसको थोड़ा देर तक अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए भिंडी मेरा फ्राई हो चुका है, तो इस तरह से फ्राई करके हम भिंडी को निकाल लेते हैं। तो चलिए हम एक बॉल में भिंडी को निकाल लिए। अब हम भिंडी का सब्जी बनाएंगे। तो अब मेरा भिंडी फ्राई हो चुका है। अब हम फिर से 2 चम्मच कढ़ाई में तेल डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और हम प्याज को डाल देंगे कटा हुआ, जो हम एक बड़े साइज प्याज काट के रखे थे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और हरा मिर्च को डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छे तरह से मिलाते हुए थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा, तो हम प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज अब भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो का जो प्यूरी बना के रखे थे हम, तो टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा देर पकाते हुए भून लेंगे। आप ज़रूर बनाइए इस प्याज वाले भिंडी को, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद करते हैं। प्याज मेरा भुन चुका है, अब प्याज में तेल छोड़ने लगा है और ये अच्छे तरह से पक भी गया है। अब हम इसमें भिंडी को डाल देंगे और भिंडी को डाल के हम अच्छे से मिला देंगे। रेसिपी अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आप भी ज़रूर इस टेस्टी सब्जी को बनाइए। तो देखिए ये कितने ही देखने में सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में ही बहुत टेस्टी होते हैं। भिंडी तो हर कोई पसंद करता है, पर इस तरह के भिंडी और प्याज की सब्जी बनाएंगे तो भिंडी हो जाएगी सबकी फेवरेट। तो चलिए भिंडी का सब्जी बन के तैयार हो गया है। ये सब्जी को हम इसी तरह ड्राई रहने देंगे। इस सब्जी में भिंडी के साथ बड़े बड़े प्याज के टुकड़े मज़े आ जाएंगे। तो खाओ पियो मज़े करो। तो चलिए आज की मेरी रेसिपी तैयार हो गई है, तो हम अब इसे सर्व करते हैं। अगर आज का रेसिपी अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय।